बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी आलू की चाट। इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होगी। आप जब भी इसे बनाएंगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि आप इसे घर में बनाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ठेले वाली जैसी चाट होती है, वही टेस्ट आएगा। तो इसको बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लेना है और उनको इस तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक पैन को हम गरम करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम आलूओं को डालेंगे और आलूओं को हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आने लगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो कोई तरफ कलर डार्क हो जाएगा। तो इसके लिए ना लगातार चलाना है और आप देखेंगे जब इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर दिखने लगेगा, तो बस इसको गोल्डन दिखने लगा है तो ये हल्का सा क्रिस्पी भी हो जाता है, तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है, बस ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं करना है। तो बस ये फ्राई हो चुकी है हमारी आलू। अब इसको हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसको साइड में रखेंगे पैन को, और फिर हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे चाट के लिए। तो हमें यहाँ पर लेना है 1 टीस्पून नमक है, काला नमक, और फिर उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है चाट मसाला। तो ये चाट मसाला और सारे चीज़ अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, कोई भी आप चाट बना रहे हो, चाहे आलू की चाट हो या फिर कोई से भी चाट बना रहे हो, तो उसमें ये मसाले को ऐड करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर ये जो हम लिए हैं आलू को, यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी ये मसाला आलू में, और मसाले को अच्छे से चला लेना है ताकि इसके ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। और ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको मसाले कम लग रहे हैं तो आप पूरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, तो बस अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को हम निकालेंगे, जिस प्लेट में हमने चाट को सर्व करना है उसमें ही इसको असेंबल करें। तो यहाँ पर मैं आलू लूँगी, पहले सबसे पहले आलू डालेंगे और इसके ऊपर जो भी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आलू डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी हरी चटनी, ये मैंने खुद बनाई है, ये ग्रीन चटनी चाट की स्पेशल चटनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये चटनी। उसी के साथ हम यहाँ पर इमली की चटनी भी ऐड करेंगे, तो जैसा आपको तीखा या मीठा पसंद हो, और खट्टा, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, तो आपको जैसा तीखा मीठा खट्टा पसंद हो उस हिसाब से चटनी ऐड करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चटनी ना ऐड करें, या फिर अगर बहुत तीखा खाना चाहते हैं तो ग्रीन चटनी और ज़्यादा ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए, इमली की चटनी ऐड करने के बाद दही है, दही में थोड़ा सा शक्कर डाल के इसको फेंट लेना है और फिर इसके ऊपर से दही ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और बस दही डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम चॉप किया हुआ टमाटर, प्याज और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी चाट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। उम्मीद है कि आपको चाट बनाने की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।